विगत रात्रि काशीपुर में अज्ञात हथियारबंद लुटेरों द्वारा मकान मालिक को बंधक बनाकर नकदी सहित घर में रखे आभूषण की चोरी की गई। इस बात का विरोध करने पर लुटेरों ने मकान मालिक के साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। हनुमान नगर फेज 2 निवासी यशपाल सिंह चौहान के द्वारा बताया गया कि रात्रि 1 बजे के आसपास दर्जन भर लुटेरे हथियार के साथ घर में आ गए, पूरे परिवार को बंधक बनाया और घर में लूटपाट करनी शुरू कर दी। इस बात का विरोध किए जाने पर लुटेरों ने बंदूक की वटों को सिर में मारकर बुरी तरह घायल भी किया। घर में रखे जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने कहा कि लूटपाट हुई घटना के बारे में रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां देखा गया कि मकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था और मकान मालिक को चोट पहुंची थी। लूट की घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस टीम की जांच की कार्यवाही कर दी गई है। देखिए, रात की लगभग 1 बजे की घटना है और हम लोग उस समय सूर्य चौकी पे थे। रात में गश्त और अन्य ड्यूटियों को चेक किया जा रहा था। इसी क्रम में हमें लगभग 2 बजे करीब में सूचना मिली कि हनुमंत विहार कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ लोग घर में घुसे हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे लूट करी है। इस सूचना पर तत्काल मैं स्वयं भी, क्षेत्राधिकारी, थाना पुलिस सभी मौके पर पहुंचे तो वहाँ पे ज्ञात हुआ कि एक चौहान जी हैं, उन अपने बच्चे के साथ वहाँ रहते हैं, उनके विशेष शिक्षक हैं और वो अपने स्कूल में गई थी, वहीं वो रुकी हुई थी। पिता और पुत्र वहाँ पे थे, उनके 2 किराएदार जो लड़कियाँ हैं वो आस पड़ोस के कमरों में रह रही थी। रात के समय कुछ संदिग्ध इनके घर में घुसे चोरी की नीयत से और उनको संभवतः ये अनुमान नहीं था कि वहाँ हो सकते हैं। जब उनको मौके में पा लिए तो उन्होंने, जब इन्होंने उनका विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ मारपीट भी करी और जो अलमारी में रखी हुई उनकी जो भी ज्वेलरी और अन्य सामान थे वो उसको लेकर भी चले गए। इस सूचना को पूरी गंभीरता से लेकर रात में भी हमने काउंटिंग करी, कुछ चीज़ें हमारे हाथ आई हैं। इसके अतिरिक्त दिन में भी हमने इसमें 4 टीमें बनाई हैं और होपफुली इस घटना का शीघ्र अनावरण हमारे द्वारा कर लिया है। कम से कम 8-10 लोग आइडिया है का लोग थे, सब हथियारों से लैस थे। बिल्कुल सबके पास हथियार थे, हथियार एक एक ही नहीं थे, हथियार तमंचे भी थे उनके पास, काटने के भी हथियार थे क्योंकि उन्होंने केबिल भी काटी है। लगभग पुलिस को कितनी देर बाद सूचना मिली है आपने? पुलिस को जो है वो हमने ये समझिए कि ये 1 बजे आ गए थे तो कम से कम ये 1:30 बजे जो है यहाँ से बाहर हो गए थे। कम 1/2 घंटे लूटपाट की थी इन्होंने और 1/2 घंटे लूटपाट करने के बाद जो है फिर हम जब नीचे गए तो करीब 1:45-2 बजे जो है हमने रिकॉल किया था 112 पे। तो पहले तो लगा नहीं था नंबर, फिर बाद में लगा तो फिर उसके बाद उसकी कम से कम 1.5 घंटे बाद पुलिस आई हो, करीब 2:30 बजे आई हो।